अस्सलामुअलैकुम सब दोस्तों को, अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज मेरा दिल बहुत शदीद दुखी है और ये वीडियो शायद मुझे बनानी चाहिए या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। आज मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। तो अभी मसला ये है कि मेरे अल्फाज मुंह से निकल नहीं रहे हैं। कल रात को मुझे पता चला कि एक छोटी सी नन्ही सी मासूम सी परी औज नूर नौशहरा के गांव काका साहब में स्कूल से वापस जा रही थी और दो बंदों ने उसको एबडक्ट किया, उठाया, ले गए, अगवा किया, उसका रेप किया। लफ्ज बहुत सख्त है लेकिन उसका रेप किया और अपना हवस का निशाना बनाने के बाद उसको, उस मासूम नन्ही सी कली को अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद उसका गला दबा के उसको मार डाला। और जालिमों ने, उन जानवरों ने, क्या कहूं मैं उनको, उन्होंने उसको उठा के पानी की टंकी में फेंक दिया। सोचे उसके माँ के बारे में सोचे, उसके बाप के बारे में सोचे कि उन पे क्या गुजर रही होगी, और ये सोचे कि उस नन्ही परी पे उस वक्त क्या गुजर रहा होगा जिस टाइम वो दरिंदे, वो जानवर, मैं आई जस्ट कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। प्लीज, क्या हम एज अ नेशन मर चुके हैं? हमारी गैरत, हमारी हवस, सब कुछ खत्म, हम लोग तबाह हो गए एज अ नेशन? क्या हो रहा है ये? कुछ अरसे बाद इस तरह के वाकयात होते जा रहे हैं। हमारी हुकूमत क्या कर रही है? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज क्या कर रही है? बगैरत हो गए हम सारे, 7-8 साल की बच्ची के साथ। मैं तो अल्फाज में बयान नहीं कर पा रहा हूं अपनी तकलीफ को। आप सब से दुआ है, अपील करता हूं प्लीज खुदा के वास्ते आप सबको, उस छोटी सी बच्ची के लिए सब बाहर निकले, जुबान खोले। सोशल मीडिया पे सब कुछ करते हो आप लोग यार, सब कुछ करते हो। उस बच्ची के लिए आप आवाज उठाएं, जस्टिस फॉर हूर, जस्टिस फॉर औज नूर, प्लीज उसको इंसाफ दिलाएं, उसके माँ बाप को इंसाफ दिलाएं और इस हुकूमत को, इस बेहिस हुकूमत को, इन बेगैरतों को, मैं नहीं कहना चाहता था ये लफ्ज, इन खबीसों को होश दिलाएं, आंखें खोलें इनकी, ताकि उन जानवरों का ऐसा निजाम किया जाए कि दोबारा कोई इस धरती के ऊपर किसी भी हवा की बेटी के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके। इन दोनों लड़कों को पकड़ के चौराहे में, बीच चौराहे में फांसी देनी चाहिए। मेरी अपील है हुकूमत से और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से, प्लीज प्लीज इन लोगों को इबरत का निशान बनाया जाए और बीच चौराहे में इनको फांसी दी जाए, ऐसी सजा दी जाए इनको कि कोई भी ऐसी सोचने से भी पहले, ऐसा हरकत करने से पहले भी 10 दफा सोचे कि मैं इसका अंजाम क्या होगा, ताकि हमारी हवा की बेटियां, हमारी अपनी बेटियां, बहनें, माएं हिफ्ज़ो अमान में रहें। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज आवाज उठाएं, प्लीज जस्टिस फॉर औज नूर, प्लीज प्लीज, 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 प्लीज।